हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल जो होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं कि कैसे सेल जो सेल से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए कई अलग अलग जंक्शंस भी होते हैं, जैसे सेल जंक्शंस के बारे में बात करें, सेल जंक्शंस जो होते हैं सेल कम्युनिकेशन में, सेल जंक्शंस होते हैं। जंक्शंस में क्या होते हैं, एक आपके ऑक्युलेटिंग जंक्शंस होते हैं, ऑक्युलेटिंग जंक्शन, ठीक है, ऑक्युलेटिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन में जो होता है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कैनेक्सिन इन्वॉल्व होता है और एनेक्सिन इन्वॉल्व होता है, कैनेक्सिन एंड एनेक्सिन। टाइट जंक्शन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्लुडीन एंड, और कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पता है, क्लाउडीन के अलावा एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, कौन सा होता है, एनीबॉडी, ट्राइकोलिन नहीं होता, एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्लाउडीन जो होता है टाइट जंक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्लाउडीन जो होता है यहां पे इन्वॉल्व होता है। जो ऑक्युलेटिंग जंक्शन होते हैं इसमें कई अलग अलग जंक्शन होते हैं। एंकरिंग जंक्शन में बेसिकली कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि हेमिडेस्मोसोम्स हो सकते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं, और कई सारे जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सेल से इंटरेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सेल से इंटरेक्ट करना होता है तो अलग अलग कनेक्शंस होते हैं। अब एंकरिंग जो एंकर का काम करते हैं, एंकरिंग जंक्शंस भी होते हैं, ऑक्युलेटिंग जंक्शंस या एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, जी बिल्कुल एंकरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन को ही ऑक्युलेटिंग जंक्शन बोलते हैं, फाइन, दिस इज द ऑक्युलेटिंग जंक्शन जो बोला जाता है वो एक्चुअली टाइट जंक्शन को ही बोला जाता है, ठीक है, ऑक्युलेटिंग जंक्शन को ही टाइट जंक्शन बोला जाता है। इट इज सेम, द टाइट जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्युलेटिंग जंक्शन, और इसमें ऑक्युलेटिन और क्लाउडीन यूज होते हैं, ठीक है, ऑक्युलेटिन एंड क्लाउडीन उसी में होते हैं। एंकरिंग जंक्शन इज द थर्ड पार्ट, एंकरिंग जंक्शन जो होता है थर्ड पार्ट होता है। अब एंकरिंग के लिए वो सेम सेल से हो सकता है, सेम सेल के लिए जैसे होते हैं यहाँ पे होते हैं डेस्मोसोम्स, ठीक है, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स, ये सारे सेम सेल्स के लिए होते हैं। अगर डिफरेंट सेल से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिन, क्या होता है, सेलेक्टिन, जो कि डिफरेंट सेल्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सेम सेल्स के लिए कैथरीन भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, कैथरीन, कैथरीन इज अ पार्ट ऑफ कैथरीन जो होता है वो सेम सेल्स के लिए होता है। और उसके बाद अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व बॉन्ड कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर बाइंड कर रहा है तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब करेगा तो कौन इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन, लैमिनिन होगा, या तो आप लैमिनिन कह सकते हो या इसको बोल सकते हो हेमिडेस्मोसोम्स, ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स होते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स, ठीक है। इंटीग्रिन कहां पे इन्वॉल्व होता है, इंटीग्रिन कहां पे इन्वॉल्व होता है जी, अब आता है जी, बिल्कुल सही बात है, अगर ये या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इन्वॉल्व हो, जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इन्वॉल्व हो तब इसको बोलते हैं, यहां पे इन्वॉल्व होता है इंटीग्रिन। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या एग्जैक्टली हो रखा है, ठीक है, सो देखिएगा सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक लेके चलता हूं। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में कौन कहां पे इन्वॉल्व होता है, बेसिक याद रखिएगा, बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है सी आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा एक सेल है, दिस इज वन सेल, एक सेल है, यहां पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब एक रहा दूसरा सेल, This is what the second cell, ये आपके सेल हैं,
और ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दिस इज वॉट ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा कि यहां पे जो पर्टिकुलर पार्ट अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व हो रहा है तो ये इन्वॉल्व होता है एक्चुअली हेमी डेस्मोसोम, किससे, हेमी डेस्मोसोम। अगर वो सेल टू सेल इन्वॉल्व हो रहा है, सेल टू सेल अगर सेम सेल है, अगर मैं कहूं कि ये भी हीमोपोटिक स्टेम सेल है, ये भी हीमोपोटिक स्टेम सेल है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, कैधरीन, कैधरीन या डेस्मोसोम। अगर एक सेल ऐसा है जो कि ये आपका नर्व सेल्स है मान लीजिए, तो इससे जो इंटरेक्ट करेगा वो किससे इंटरेक्ट करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा सेलेक्टिन से, डिफरेंट सेल। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्ट कर रहा है तो इन्वॉल्व करेगा इंटीग्रिन। समझ में आई बात, सेम सेल है तो कैधरीन, डिफरेंट सेल है तो सेलेक्टिन, और अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो हेमी डेस्मोसोम, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है तो आपका इंटीग्रिन आ जाएगा जी। फाइब्रोनेक्टिन इज अ पार्ट, उसमें यूज होता है फाइब्रोनेक्टिन जो होता है, उसमें आपका यूज होगा। ठीक है, दिस इज सिंपली, अब आपको क्लियर होगा कि कौन कहां से हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल, ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल टू सेल, ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल सिर्फ और सिर्फ एक जंक्शन से होता है ट्रांसपोर्ट, वो होता है गैप जंक्शन, किससे, गैप जंक्शन से होता है, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन से होता है, जहां से ट्रांसपोर्ट होता है इसी से ट्रांसपोर्ट होता है गैप जंक्शन से। होप कि आपको क्लियर होगा यहां तक, क्लियर है जी। गाइस होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।